हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। रीवा में छोटे भाई को कुल्हाड़ी मारकर जख्मी करने वाला भाई फरार। ढोरा क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग कर रही पुलिस। रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत भनगवा गांव में छोटे भाई को कुल्हाड़ी मारकर जख्मी करने वाला भाई फरार है। पुलिस के मुताबिक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर ढोरा क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग की जा रही है। हालांकि उसका भी कहीं पता नहीं चला है। ऐसे में रिश्तेदारों घरों में दबिश दी जा रही है। साथ ही मोबाइल की लोकेशन पर पुलिस की नजर है। इधर जख्मी भाई की हालत नाजुक है। संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक सर्जरी वार्ड के आईसीयू में भर्ती कर उपचार दे रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि राजकरण कोल पुत्र राम नरेश निवासी भनगवा 35 वर्ष के सिर पर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार किए थे। वारदात के बाद से आरोपी सगा भाई फरार है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए जंगल में सर्चिंग की गई। साथ ही आरोपी के संभावित ठिकाने डभौरा कटैया डांडी गांव में भी दबिश दी गई, लेकिन आरोपी का कहीं सुराग नहीं लगा है। मोबाइल बंद बता रहा आरोपी का। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है, जिसके कारण उसकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया है। साथ ही तराई क्षेत्र के डभौरा अतरेला पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। 307 का अपराध दर्ज। एसडीएमएच की आकस्मिक चिकित्सा विभाग पहुंचे युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सर्जरी विभाग आईसीयू वार्ड रेफर कर दिया गया। यहां भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।